जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कल मंगलवार देर रात कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम और बचाव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीकोट में स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल में निर्माणाधीन 30 बेड के आईसीयू कक्षों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने अस्पताल में प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए भूमि चयन को स्वीकृति दी। कहा कि मेडिकल कॉलेज में 1200 लीटर क्षमता की ऑक्सीजन की व्यवस्था है जिसको बढ़ाने के लिए प्रस्तावित प्लान लगाया जाएगा। उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम का साइज बढ़ाया जाए तथा कक्ष के बाहर बड़ा फ्लेक्सी बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाए। तो जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने श्रीकोट अस्पताल में फायर फाइटिंग कक्ष, निर्माणाधीन आईसीयू कक्ष, प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट, भूमि, कोविड कंट्रोल रूम, लिफ्ट संचालन तथा पिछले दो दिन में कोविड 19 से मृत व्यक्तियों की फाइलों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समस्त कक्षों में अग्निशमन उपकरण लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आईसीयू बेड का निर्माण कार्य 20 दिन के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिफ्ट वाइज कर्मचारियों को तैनात करें तथा लोगों की शिकायत को सुनने के लिए अतिरिक्त फोन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से वार्डों में भर्ती मरीजों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कंट्रोल रूम के बाहर बड़ा फ्लेक्सी बोर्ड लगाते हुए उसमें सीएमएस और प्रभारी डॉक्टर का नाम और फोन नंबर चस्पा होना चाहिए ताकि लोगों को मदद मिल सके। नगर में जो हमने कोविड अस्पताल बनाया है इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जितने भी हम आईसीयू वार्ड का निर्माण कार्य हो रहा है 30 बेड्स का उसको पाया है। अभी उसमें और 15 से 20 दिन का समय लग सकता है ऐसा वहाँ के जो साइट इंजीनियर से उन्होंने बताया है। साथ में जो लगातार यहाँ पे पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनके परिवारजनों को जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए मैंने निर्देश जारी कर दिया है। साथ में जो अधिक संख्या में पेशेंट्स लेट आ रहा है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है इसके लिए मेडिकल टीम जो है प्रत्येक वार्ड के लिए हमने नामित कर दिया है। वो भी टीम जो है प्रत्येक पेशेंट का मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे करेंगे।